देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बड़े दामों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बाजार की उछाल ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। आज महंगाई चरम पर है, ऐसे में आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका कोरोना महामारी की वजह से व्यापारी व्यवसाय और आम जनता की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में मूल्य वृद्धि से सारे देश में कोहराम मच गया है। पेट्रोल से भी अधिक मूल्य डीजल का कर जाने को लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया। इन सबके बीच कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंस की खूब धज्जियां भी उड़ाई। देखें तस्वीरें। निर्णय लिया गया है कि इसका विरोध करने करके, और यही मोदी सरकार है जो 2014 में महंगाई को लेके आई है, और आज हम देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है। आज भाजपा ही कहाँ है उनका पता नहीं है। पहले थोड़ा सा भी अगर वृद्धि हो जाए तो यही भाजपा ही कभी चूड़ी फोड़ते थे, कभी सिर फोड़ते थे, आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले बार हुआ है जो पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का रेट हुआ है, और हम देख रहे हैं कि मोदी जी तो नया नया कर ही रहे हैं, उसमें ये एक चीज़ ये भी शामिल हो गया है जो पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का रेट हो रहा है। इसमें हम आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अभी कोरोना वायरस से हम लोग उभरे भी नहीं हैं, और सरकार तत्काल इसमें लगातार बढ़ोतरी कर रही है डीजल पेट्रोल के लिए। और अभी सबसे ज़्यादा किसान बहुत परेशान है, क्योंकि आज किसान को डीजल की ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ रोपाई का काम चल रहा है, जोताई का काम चल रहा है, तो इसमें हमारी कांग्रेस सरकार आगे किस प्रकार की मांगे रखेंगे आप लोग? हम इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उनको रोका जाए और रेट और कम किया जाए डीजल पेट्रोल का, इसकी मांग करेंगे। और आगे हमारे सरकार के द्वारा जो भी आगे निर्णय होगा लड़ाई के लिए, हम बिल्कुल आगे जाएंगे, और लड़ाई के लिए हम पूरे दिल्ली तक जाना पड़े तो दिल्ली तक भी जाएंगे हमारी लड़ाई के लिए। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा मुख्य मांग है, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि डीजल का जो भाव है पेट्रोल के भाव से ज्यादा हो गया। यही नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पिछले समय इनके मंत्री लोग महंगाई डायन मार खाया जाएगा इन्होंने नारा लगाया था। जिस समय डीजल का रूप 40 रुपया लीटर मिलता था, लेकिन आज पूरे देश में पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल का भाव हो चुका है। रसोई गैस का भाव लगातार बढ़ रहा है। केंद्र की सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है, और जनता के ऊपर लगातार बोझ के ऊपर बोझ डालते जा रहा है। अभी हमारा देश कोरोना संक्रमण से अभी उबरा नहीं है, और इस प्रकार से महंगाई डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ाने से पूरे आर्थिक जो बोझ है एक गृहिणी के ऊपर पड़ेगा, आम व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई जाएगी, और हमारे जो आम नागरिक है उनको जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर आज जिला मुख्यालय में हम सब केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये हमारा जो आंदोलन है लगातार जारी रहेगा। आज सभी हमारे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पश्चात हम लोग 30 मई से लेकर 4 जुलाई के बीच धरना प्रदर्शन ब्लॉक मुख्यालयों में भी किया जा रहा है। और किस प्रकार के मांगे आपने रखेंगे? सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को इन महंगाई से राहत मिले, और लोगों को तत्काल चाहे वेट कम करके या पेट्रोल डीजल के रेट कम करके लोगों के सुविधा मिलनी चाहिए। लोगों के लिए हम लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा ये लड़ाई निरंतर जारी रहे। मैं निर्मल कोसरे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण।